कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। वी आर नियरिंग द फाइनल फेज ऑफ द पावर डिसेंट विच इज गोइंग टू बी द वर्टिकल डिसेंट फेज और द लोकल नेविगेशन फेज। जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। लॉट ऑफ अप्लॉज indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. Ji, aap apne screen pe dekh sakte hain ki lander kya height lagatar kam hota ja raha hai. इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। वी आर अबाउट द लैंडिंग साइट, द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल वेलोसिटी is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हाइवरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं
कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only two engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Sri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है।